नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार हूँ आपकी वही अंजलि। हमने कब कहा कि कीमत समझो तुम हमारी, अगर हमें बिकना ही होता तो आज यूं अकेले ना होते। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राइटेबल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज इनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। असफल होना बुरा है लेकिन प्रयास ना करना उससे भी बुरा। किसी भी उम्मीद के बिना सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनकी हाथों में खुशबू रह ही जाती है। आपको भी बिना किसी उम्मीद किए सबका भला करना होगा। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि कर भला हो भला। जो दूसरों का भला यानी अच्छा करता है उसके साथ भी अच्छा ही होता है। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है, फर्क तो बस रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और समझे बिना किसी को खो मत देना। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है ब्राउन यानी कि भूरा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। आज आपकी कोई पुरानी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सकती है। आपके लिए आज सितारे कहते हैं कि आप चुनौतियों और परेशानियों को भविष्य के लिए टाल दें। आज आराम फरमाइए और अपने रिश्ते को आत्मनिरीक्षण करें। एक इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अपने अंदर की आवाज़ सुनिए और अपनी चेतना पर भरोसा रखिए। आप इस पर विचार करें कि क्या रिश्तों की मांग के अनुसार आप उसे समय दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको वक्त ज़रूर देना चाहिए। साथ ही साथ में आपको जो है उनकी राय अवश्य लेनी चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, इस चीज़ पर भी आपको आज के दिन गौर फरमाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप में दूरियाँ बन सकती हैं, तो इस पर आपको फोकस करना होगा। आज धर्म कर्म और अध्यात्म से जुड़े विषयों में आज आपकी काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ सकता है। किसी संत सदगुरु के दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी विशेष बात की गहराई में जानने के लिए समय स्पेंड कर पाएंगे। सोशल साइट्स में ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे आप। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई बात चल रही है तो वो किसी की मध्यस्थता से हल होने की संभावनाएं बन रही है। आज नज़दीकी संबंधी या फिर दोस्त से किसी बात पर मन में कटुता आ सकती है। आपकी कोई गुप्त बात आज उजागर हो सकती है। ध्यान रखिए कि आपको अपने सीक्रेट्स अपने तक रखने होंगे, वरना कोई ना कोई इसे उजागर कर ही देगा। अध्यापन पर आज आपको ध्यान देने से मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। एडवर्टीजमेंट करना होगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आपको अपने बिजनेस में। इसी के साथ ही आज जो है आपके पास बहुत ही ज़्यादा काम रहेगा। आज आप अपने काम के शीर्ष पर हो सकते हैं। लोग आपके तरीकों को अपनी कार्यशैली में ला सकते हैं। आज आपको थोड़ा संभल कर भी आगे बढ़ना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। आज आपको अपने काम की गति धीमी रखनी होगी। ज़्यादा जल्दबाजी किसी परेशानी का कारण बन सकती है। आप जिम्मेदारियों को फिर से देखना और प्राथमिकता देना चाहेंगे। ध्यान आपको अपना कायाकल्प करने में मदद कर सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आज के दिन। साझेदारी के काम में झटका थोड़ा बहुत लग सकता है आप में से कुछ लोगों को। संतान से रिलेटेड चिंता बनी रहेगी। पेट से रिलेटेड आज स्वास्थ्य है वो थोड़ा डगमगा सकता है आपका। आज ज़्यादातर समय घर की सुख सुविधाओं से रिलेटेड कार्यों में खरीदारी पर आपका स्पेंड हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और देखभाल का आज आपको पूरा ध्यान रखना होगा। उनका आशीर्वाद आपके भाग्य में बढ़ोतरी वृद्धि कर सकता है। आज संतान का मन मुताबिक रिजल्ट ना आने से कुछ टेंशनें हो सकती हैं। इस समय बच्चे के मनोबल को बनाकर रखने में आपके सहयोग की ज़रूरत होगी, तो आप अपना उत्तरदायित्व समझिएगा। खर्च की अधिकता के कारण बजट भी बिगड़ सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर में आज वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अभी व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी। जैसा चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, लेकिन फिर भी जो है आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अच्छे काम की वजह से आज आपको प्रमोशन मिल सकता है। बॉस आपकी काफ़ी सराहना करेंगे।
साथ ही आज आपके पास काम का बहुत ही दबाव भी होगा। आज आपको अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, काम को कंप्लीट करना होगा। अगर पेंडिंग काम रह गया तो आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि बचा हुआ काम वो भी कंप्लीट करना है। बीमा शेयर के व्यवसाय से जुड़े लोग जो हैं अपने कार्य में अधिकता के कारण बिजी रहते हुए नजर आएंगे और आर्थिक सफलता भी मिल पाएगी। अगर व्यवसायिक स्थल पर कुछ बदलाव करने की आप सोच विचार बना रहे हैं तो वास्तु से रिलेटेड नियमों का भी आज आपको पालन करना होगा, यानी कि वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, फिर ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव से मत हिचकिचाइए, चीज़ों को बड़े स्तर पर सोचने के प्रयत्न कीजिए और उसके अनुसार ही अपनी योजनाओं को रूप दीजिएगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज काफ़ी हद तक जॉब मिलने का आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही में जो स्टूडेंट्स करियर की ओर ध्यान देंगे उनके करियर में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके जो सितारे हैं, नक्षत्र हैं, वो आपके साथ नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके पक्ष में रहेंगे, आपका पूरा सहयोग देंगे। तो ये बात की हमने बिजनेस और करियर की, और अब बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो जीवन साथी की सलाह ज़रूर लीजिएगा, आज के दिन आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है और हाँ, आपका जो आत्मबल है, मनोबल है, वो भी बढ़ेगा। रिश्तों पर गहराई से विचार करने और उन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का समय है। जो लोग रिश्ते बना रहे हैं उनको आज एक कदम आगे बढ़ना होगा। आज रिश्तों के लिए समय निकालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ज़्यादातर आप बिजी रहेंगे और अपने आप को जो है काफ़ी बिजी रखने के साथ साथ दूर भी करेंगे। आप अपने ही काम नहीं ठीक ढंग से कर पाएंगे, इसीलिए अगर आपको मौका मिले तो खुद से आज आराम से बातें करें। आप जो है अपने विचारों के बारे में सोचिए, आपको क्या करना है क्या नहीं, और अपनों को भी समय जरूर दीजिएगा। पारिवारिक वातावरण आज बहुत ही खुशनुमा बनाना रहेगा आपके लिए। आप इसमें पूरा सहयोग कर पाएंगे कि घर का वातावरण खुश रहे। और हाँ, प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियाँ बहुत ही बढ़ने वाली हैं, याद रखिएगा इस बात का। तो ये बात की हमें लव लाइफ की, और बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो हेल्थ कहती है कि शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस कर पाएंगे। नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में ना जाएं, वरना आप पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। आज आपको तनाव और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। आराम फरमाना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ के लिए समय ठीक ठाक ही रहेगा। मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतनी होगी। खांसी, जुकाम और गला खराब होने जैसी दिक्कतें हो सकती है। घर में ही इसका इलाज करें और अपना इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग करें, तो जल्दी ही आपको बेहतर नतीजे देखने को मिल पाएंगे। तो चलिए बनते हुए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा स्तुति का जो दुर्गा कवच है उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ ही आप दुर्गा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। इसका आप जो है किस माला या फिर आप 51 माला 108 बार इसका जाप कर सकते हैं, तो बहुत ही आपको फायदा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।